देखिए, दो तीन महीने से मैं गुजरात में घूम रहा हूं, आपसे बातचीत हो रही है, आपसे मिला, लाखों लोगों से मैं मिला, बातचीत की, किसानों से, मजदूरों से, और मैं इस चुनाव को देख रहा हूं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, सच्चाई आदमी को कैसे घेरती है, इस चुनाव में मुझे यह दिखा है। मोदी जी ने शुरुआत की कि भैया चुनाव हम नर्मदा पे लड़ेंगे, कहा कि नर्मदा के पानी पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पता लगा कि गांव में नर्मदा का पानी आया ही नहीं है, नर्मदा का पानी गया टाटा नानो की फैक्ट्री में। दो तीन दिन बाद मुद्दा बदल गया, कहते हैं नहीं भैया नर्मदा पे नहीं लड़ेंगे, अब तो हम ओबीसी पे चुनाव लड़ेंगे। फिर से मतलब ढोल बजा, नाच गाना हुआ, दस दिन बाद देखा वो भी मुद्दा नहीं चला। उसके बाद गए विकास पे, हम पिछले 22 साल के विकास पर चुनाव लड़ेंगे, वही ढोल बजे, नाच गाना हुआ, पता लगा वो भी मुद्दा नहीं चला। फिर विकास के बाद मोदी जी कहते हैं मेरे बारे में मणिशंकर अय्यर जी ने गलत बोला, चुनाव का यह मुद्दा हो जाएगा। उसके बाद आप एक बात नोट करो, इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया है। आपने नोट किया, सब भाषण देख लो, एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि अमित शाह के बेटे की कंपनी ने 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ में बदल दिया। घूम घूम के अंत में सच्चाई ने नरेंद्र मोदी जी को घेर लिया है, और आज चुनाव हो रहा है। उनके पास सब कुछ है, हिंदुस्तान की सरकार, गुजरात की सरकार, पुलिस, आईबी, यूपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, सब कुछ है। हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ गुजरात की सच्चाई है और कुछ नहीं, और उसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा, खुल के बोलूंगा, क्योंकि जब व्यक्ति सच बोलता है वो किसी चीज के भी बारे में बोल सकता है। मगर जो प्रधानमंत्री आज हैं उनके पास सिर्फ एक चीज बची है, पूरा का पूरा चुनाव, कल भाषण किया, 60-70% अपनी ही बात की, मेरे बारे में ये बोला, वो बोला, वो बोला, वो बोला। यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, यह चुनाव राहुल गांधी जी के बारे में नहीं है, सोलंकी जी के बारे में नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के बारे में नहीं है, यह चुनाव गुजरात की जनता के भविष्य के बारे में है। अब मैं थोड़ा सा पिछले 22 साल के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो मोदी जी अपने भाषणों में नहीं कहते हैं। 6.5 लाख एकड़ जमीन, किसानों की जमीन, आपकी जमीन, बीजेपी सरकार ने आपसे छीनकर गुजरात के 5-10 सबसे बड़े उद्योगपतियों को दी। 5 गांव के नाम पढ़ता हूं,
बहुत लंबी लिस्ट है, मैं पांच के नाम पढ़ूंगा। कोटा गांव, बोल गांव, कोट नॉट, कोटपुरा गांव, मोतीपुरा गांव, चरल गांव, ये पांच गांव हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन बीजेपी सरकार ने इनसे छीनी और टाटा नैनो फैक्ट्री को दी। इनको वायदा किया था कि आपको नैनो फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा और आज तक इन पांच गांव में से एक व्यक्ति को नैनो फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिला। मगर अभी और है, जितना पैसा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में मनरेगा में डाला था 35,000 करोड़ रुपया, उतना पैसा बीजेपी के लोगों ने टाटा नैनो फैक्ट्री में डाला। 33,000 करोड़ रुपए आपके उस फैक्ट्री में गए, नर्मदा का पानी उस फैक्ट्री में गया। आपको आपको रात को बिजली मिलती है और उस फैक्ट्री को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप गुजरात की सड़कों पर चलते हो, 33,000 करोड़ रुपए आपके गए उस फैक्ट्री में, आपने सड़क पे कहीं नैनो गाड़ी देखी है? जादू का खेल, 33,000 करोड़ रुपए आपकी जमीन, आपकी बिजली, आपका पानी, छुमंतर गायब। मजा आ गया, किसको आया मजा? 5-10 उद्योगपतियों को। दूसरा उदाहरण, पांच और गांव कच्छ में, मुंद्रा गांव, बरोली गांव, लूनी गांव, सिराचा गांव, टुंडा गांव, इन गांव की पूरी जमीन छीन ली गई। किसको दी गई? अदानी जी को दी गई। 45,000 हेक्टेयर जमीन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अदानी जी को दिए। किस रेट पे दिए? 1 रुपया प्रति मीटर। किसकी जमीन? गुजरात के किसानों की जमीन। और मजेदार बात सुनिए, 2-3 महीने बाद अदानी जी ने वही जमीन जो उनको 1 रुपए मीटर में मिली थी 3,000 रुपए प्रति मीटर में बेची। और किसको बेची? सरकारी कंपनियों को बेची, एचपीसीएल और आईओसीएल को बेची। और फिर मोदी जी कहते हैं बहुत विकास हुआ। पिछले साल 1,30,000 करोड़ रुपया एनडीए की सरकार ने हिंदुस्तान के 10 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। गुजरात का किसान दिन भर हाथ जोड़ के कहता है हमारा भी कर्जा माफ कर दीजिए, आत्महत्या करता है। और अरुण जेटली जी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। क्या गलती की है गुजरात के किसान ने? क्या कमी है आप में कि हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ हो सकता है और गुजरात के किसान का 1 रुपया नहीं माफ हो सकता है? क्या कमी है आप में? आप मुझे बता दो, क्या गलती की आपने? ठीक है, आप मर्सिडीज गाड़ी में नहीं घूमते हो, प्राइवेट हवाई जहाज में नहीं जाते हो, वो लोग जाते हैं, मगर आपने क्या गलती की? आपने सिर्फ देश के लिए काम किया है। मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, हमने मैं अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है,
जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनेगी, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसान के कर्जा माफ की पॉलिसी अनाउंस कर देगी। मोदी जी ने किसानों से सही दाम देने का वायदा किया था। आप आज जानते हो यूपीए के समय कितना पैसा मिलता था, मोदी जी ने क्या वायदा किया था और आपको क्या मिलता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको सही दाम दिलवाएगी, और सिर्फ सही दाम नहीं दिलवाएगी, आपको पहले ही बता देगी कि इस सीजन में आपको सरकार यह दाम देने जा रही है, और वो कांग्रेस पार्टी की गारंटी होगी। आज आपको रात को बिजली मिलती है, हमारी सरकार आपको कम से कम 16 घंटे बिजली देके दिखाएगी। गुजरात की सच्चाई है कि पिछले 22 साल में पूरा का पूरा पैसा, आपका पैसा, आपकी जमीन 5-10 उद्योगपतियों को दी गई है। कल एक आंकड़ा निकला, मोदी जी की सरकार ने सिर्फ इश्तेहारों में, एडवर्टाइजमेंट्स में 3,700 करोड़ रुपए डाले हैं। तो पूरा का पूरा पैसा उनकी इमेज बनाने में और उद्योगपतियों को जाता है। हमारी सरकार आएगी तो वो पैसा जो आज 5-10 लोगों के हाथ जाता है, वो आपके स्वास्थ्य में और आपकी शिक्षा में जाएगा। आज हर माता पिता बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मगर अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो गुजरात में 90% कॉलेज प्राइवेटाइज हो चुके हैं। कम से कम 10-15 लाख रुपए आपको जेब से निकालने पड़ते हैं, ये हम बंद करना चाहते हैं। हम आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सरकारी पैसा डालेंगे, आपको लगेगा कि शिक्षा आसानी से मिल रही है, और आज जो आपका 15 लाख रुपए निकलता है वो नहीं निकलेगा, मुफ्त में आपका, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। गहलोत जी बैठे हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने फ्री में दवाई और इलाज की योजना चालू की थी। गुजरात में कोई बीमार होता है, दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर होता है, फिर से आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, एक्सरे की जरूरत होती है, एमआरआई की जरूरत होती है, तो हजारों रुपए दो। ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो गरीब परिवार तो बर्बाद हो जाता है। हमारी सरकार आएगी, सरकारी अस्पतालों की फार्मेसी में आपको हम मुफ्त में दवाई दिलवाएंगे, और कम से कम पैसे में हम आपका ऑपरेशन करवाएंगे। मोदी जी ने अपने भाषणों में रोजगार की बात की, पहले करते थे, आजकल उनके भाषणों में रोजगार की बात नहीं आती है। सच्चाई ने उनको एक बार फिर घेर लिया। पहले कहा करते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। गुजरात में 30 लाख बेरोजगार युवा हैं, चाइना से हमारा मुकाबला है। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। कुछ समय पहले हमने मोदी जी के मंत्री से पूछा, पार्लियामेंट हाउस में पूछा, मोदी जी कितने युवाओं को देश में रोजगार देते हैं। चाइना 50,000 को देता है 24 घंटे में, मोदी जी की सरकार कितने युवाओं को देती है? उनके मंत्री कहते हैं 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में
450 युवाओं को रोजगार मिलता है। मेक इन इंडिया कर लिया, स्टार्टअप इंडिया कर लिया, स्टैंड अप इंडिया कर लिया, कनेक्ट इंडिया कर लिया, और इन सब योजनाओं के बाद जो काम चाइना दो दिन में करता है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक साल में भी नहीं कर पाती है। इसलिए आपको नरेंद्र मोदी जी के भाषण में रोजगार के बारे में नहीं सुनाई देगा। भ्रष्टाचार के बारे में भी पहले बोलते थे, आजकल नहीं बोलते हैं। अच्छा बताइए, आपको लाइन में लगना अच्छा लगता है क्या? लाइन में खड़ा होना आपको अच्छा लगता है? पिछले साल मजा आया आपको? मजा आया बैंक के सामने खड़े होकर? मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बैंक के सामने खड़ा कर दिया। आप लोग खड़े रहे, और जब आप खड़े थे आपने किसी सूट बूट वाले को लाइन में देखा? कोई था? प्राइवेट हवाई जहाज वाला कोई था लाइन में? नहीं। वो पता है कहां थे? वो बैंक के पीछे एसी कमरे में बैठे थे। वो पता है क्या कर रहे थे? वो अपना पूरा का पूरा काला धन सफेद में बदल रहे थे। मोदी जी ने हिंदुस्तान के सब चोरों का पैसा, काला धन सफेद में बदल दिया और आपको लाइन में खड़ा कर दिया। और फिर आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ मैंने बहुत बड़ा एक्शन लिया। महिलाओं ने पैसा बचाया था, आधा नोटबंदी में चला गया। उसके बाद मोदी जी कहते हैं अभी बात नहीं बनी, नोटबंदी से बात नहीं बनी, चलो 12 बजे रात को गब्बर सिंह को निकालते हैं। और जैसे शोले पिक्चर में रात को गब्बर सिंह घोड़े पे आता था, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश पे गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। गब्बर सिंह के 5 हथियार, राइफल, पिस्टल, चाबुक, छुरी, गब्बर सिंह टैक्स के भी 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स। कौन देता है ये टैक्स? आप देते हो। किसके जेब से निकलता है? आपके जेब से निकलता है। हमने मोदी जी से कहा, अरुण जेटली जी से कहा, ऐसे मत कीजिए, जीएसटी लागू करिए, गब्बर सिंह टैक्स मत लागू कीजिए, जो भी गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उसको जीएसटी से निकालिए, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डालिए, एक टैक्स होना चाहिए और कम से कम टैक्स होना चाहिए, 28% टैक्स किसी को नहीं देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं नहीं, 12 बजे रात को गब्बर सिंह आएगा, गब्बर सिंह टैक्स लागू होगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे। लाखों लोग बर्बाद हो गए, सूरत में, बाकी शहरों में जबरदस्त चोट लगी, बेरोजगारी बढ़ी, आंधी से आई, नोटबंदी और जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स की आंधी आई, और आंधी में से एक चमकती हुई कंपनी निकलती है, जादू की कंपनी। जय शाह ज्यादा खा गया, 50,000 रुपए को महीनों में 80 करोड़ में बदल दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जो पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिल्कुल चुप हो गए हैं। उनके मुंह से अब भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं निकलता है। मोदी जी, देश समझना चाहता है, जानना चाहता है, क्या आप चौकीदार हैं या भागीदार? थोड़ा बताइए, थोड़ा बताइए। आप जय शाह के मामले में आपके सामने भ्रष्टाचार हुआ है, जरा देश को बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और दूसरा भी मुद्दा है,
रफाल हवाई जहाज का मुद्दा, हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने 136 जहाज खरीदे, अचानक मोदी जी फ्रांस जाते हैं और पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को जा रहा था, 70 साल सरकारी कंपनी ने हवाई जहाज बनाए, नरेंद्र मोदी जी गए फ्रांस, अनिल अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अनिल अंबानी जी ने अपनी जिंदगी में कभी हवाई जहाज नहीं बनाया। अनिल अंबानी जी के ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और यह निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने आप फ्रांस में ले लिया। हमने मोदी जी से 3 सवाल पूछे, मोदी जी जरा बताइए, पहला सवाल, आपके कॉन्ट्रैक्ट में हवाई जहाज का दाम बढ़ा या घटा? दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी आपने अनिल अंबानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? अनिल अंबानी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया है। अनिल अंबानी जी के ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। एचएएल से आपने यह कॉन्ट्रैक्ट छीना, क्यों छीना? एचएएल सरकारी कंपनी है, उसने 70 साल से हवाई जहाज बनाने का काम किया है। और तीसरा सवाल, सबसे जरूरी सवाल, डिफेंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, खरीदने से पहले कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी परमिशन देती है, इजाजत देती है। नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में निर्णय लेने से पहले आपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पूछा हां या ना? नरेंद्र मोदी जी ने इन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, पार्लियामेंट बंद कर दी। नवंबर में पार्लियामेंट चालू होती है, हर साल आप देखिए नवंबर में पार्लियामेंट चलती है, पता नहीं इस साल गुजरात का चुनाव है, राफेल मामले से, जय शाह के मामले से मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए पार्लियामेंट को उन्होंने बंद कर दिया और गुजरात के चुनाव से पहले पार्लियामेंट खुलने वाला नहीं है। मगर देखिए, सच्चाई से कोई बच नहीं सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को सच्चाई ने चुनाव में घेरा, वैसे राफेल का मामला और जय शाह के मामले से नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे वो अपने अगले 200 भाषणों में भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग भी ना करें, नरेंद्र मोदी जी इससे अब नहीं बच सकते हैं। और यहां पे अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, अंडर करंट है, गुजरात की जनता ने अपना मन बना लिया है, गुजरात की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार उद्योगपतियों की सरकार नहीं होगी, आने वाली सरकार गरीबों की, कमजोरों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की सरकार होगी। पहली बार मैंने देखा, अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि किसी प्रदेश में हर समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। अल्पेश यहां बैठा है, जिग्नेश जी हैं, हार्दिक जी हैं, पाटीदार समाज से मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आपकी बात करते हैं? छोटा सा सवाल, जब आपके घरों में आकर आपको पीटा गया था, जब आपके युवाओं पर गोली चलाई गई थी, तो क्या मोदी जी आपके घर आए थे? जब दलितों की पिटाई हो रही थी, जब दलितों पे अत्याचार हो रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी आपके घर आए थे? चुनाव का समय है, लंबे भाषण हो रहे हैं, मगर सच्चाई मोदी जी को घेर रही है। और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, और मैं आपको झूठे वायदे नहीं करूंगा, मैं आपको यह नहीं बोलूंगा भाइयों और बहनों हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डाल दूंगा, मैं आपको ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा,
मैं आपको यह भी नहीं बोलूंगा कि हिंदुस्तान के हर युवा को हम 10 दिन में रोजगार दे देंगे, मगर मैं दिल से आपको एक बात कह सकता हूं और यह बात मैं पूरी करके दिखाऊंगा। गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो 5-10 उद्योगपतियों की सरकार नहीं होगी, वो गुजरात के गरीब जनता की सरकार होगी। और गुजरात की मन की बात उस सरकार के अंदर गूंजेगी, सुनाई देगी। आपकी आदत बन गई है हर 10 दिन या नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनो या फिर रूपानी जी के मन की बात सुनो, हम ये आदत उतारेंगे। हमारा चीफ मिनिस्टर आपको अपनी मन की बात नहीं बताएगा, वो आपकी मन की बात सुनेगा, आपके पास आएगा, आपसे गले लगेगा और आपसे कहेगा भैया ऑर्डर दो, हमें बताओ क्या करना है, हम करेंगे आपके लिए। ऐसी सरकार हम आपको चला के दिखाएंगे। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।